Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 100 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज में एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। इस समाज के लोग पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं, लेकिन न मंदिर जाते हैं और न ही मूर्ति की पूजा करते हैं। इस तरह के टैटू को लोकल लैंग्वेज में गोदना कहा जाता है। दरअसल इसे भगवान की भक्ति के साथ ही सामाजिक बगावत के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि 100 साल पहले गांव में हिंदुओं की ऊंची जाति के लोगों ने इस समाज को मंदिर में घुसने से मना किया था। इसके बाद से ही इन्होंने विरोध करने के लिए चेहरे सहित पूरे शरीर में राम नाम का टैटू बनवाना शुरू किया। रामनामी समाज को रमर मीहा के नाम से भी जाना जाता है। जमगाहन गांव के महेतर राम टंडन इस परंपरा को पिछले 50 सालों से निभा रहे हैं। जगमाहन छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में से एक है। 76 साल के रामनामी टंडन बताते हैं, जिस दिन मैंने ये टैटू बनाया उस दिन मेरा नया जन्म हुआ। 50 साल बाद उनके शरीर पर बने टैटू कुछ धुंधले से हो रहे हैं, लेकिन उनके इस विश्वास में कोई कमी नहीं आती है। नज़दीकी गांव गोरबा में भी 75 साल पुरानी पुनई बाई इसी परंपरा को निभा रही हैं। पुनई बाई के शरीर पर बने टैटू को वो भगवान का किसी खास जाति का ना होकर सभी के होने की बात से जोड़ती हैं। समय के साथ टैटू बनवाने का चलन कुछ कम हुआ है। रामनामी जाति की नई पीढ़ी के लोगों को पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरी शहरों में भी जाना पड़ता है, इसीलिए ये नई पीढ़ी पूरे शरीर पर टैटू बनवाना पसंद नहीं करती। इस समाज में पैदा हुए लोगों को शरीर के कुछ हिस्सों में टैटू बनवाना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर छाती पर और 2 साल का होने से पहले। ज़्यादातर रामनामी लोगों के घरों की दीवारों पर राम राम लिखा होता है। इस समाज के लोगों में राम राम लिखे कपड़े पहनने का भी चलन है और ये लोग आपस में एक दूसरे को राम राम के नाम से ही पुकारते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में राम राम लिखवाने वाले रामनामी माथे पर राम राम लिखवाने वाले को शिरोमणि और पूरे माथे पर राम राम लिखवाने वाले को सर्वांग रामनामी और पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाने वाले को नक्षिक रामनामी कहा जाता है। आज कानून में बदलाव के जरिए समाज में ऊंच नीच को तकरीबन मिटा दिया गया है और इन सब के बीच रामनामी लोगों ने बराबरी पाने की उम्मीद नहीं खोई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.